ओके ओके, मुझे जो चीज़ बहुत पसंद है बाइक के लिए वो है टनल, क्योंकि टनल में गिरता है रेव बॉम अपनी बाइक का। अभी गिरते गिरते बचाओ, मैं टोटली गिरते गिरते इतने बड़े खड्डे से बाइक को बचाया ना मैंने अभी। आई होप ये कैमरा में आया होगा। बहुत ही बड़ा खड्डा था, बहुत बड़ा खड्डा, और पूरे से लाइन खड्डे से पड़ा हुआ था, उसके बीच में से मैंने गाड़ी निकाला और इतना टाइट अपने हैंडल को मैंने पकड़ा था ना कि क्या बताऊँ मैं आपको यार। दो मिनट के लिए थोड़ा डर गया था, बट जैसे पहले खड्डे में बाइक गया ना मैं समझ गया था कि आगे वैसा ही रोड है। एकदम टाइट पकड़ा हैंडल को, रेस पूरा खत्म कर दिया और गाड़ी कंट्रोल हो गई, थैंक गॉड। सांस रुक गई थी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अभी जो अंदर टनल में हो रहा है मेरे साथ में, भगवान करे ऐसे किसी के साथ में बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि नाइट रात के टाइम पे ड्राइव करते टाइम राइड करते टाइम इतना कॉन्शियस नहीं रहता है, क्योंकि वाइजर रहता है लगा हुआ, लाइट से हवा से अपने आँखों पे गिरती है, तो बहुत तकलीफ़ होता है ये टाइम पे। बट यार ये जो 10-12 साल से जो मैं बाइकिंग कर रहा हूँ ना, ये शायद उसका एक्सपीरियंस ने मुझे ये हादसे से निकाल लिया, बचा लिया, क्योंकि वीडियो में कैमरा में सुपर वाइड एंगल पे इतना वो खड्डा या इतना जो बीच में बड़ा सा लंबा पैच था ना, वो इतना लंबा दिख नहीं रहा था, बट वो एक्चुअल में जब बाइक उसके अंदर में गई ना, आई थॉट कि मैं किसी बड़े से गड्ढे में घुस चुका हूँ ऑलरेडी, और वहाँ से बाहर आना, क्योंकि एक गड्ढा हो तो फटक करके ऊपर आ जाएगा बाइक, लेकिन लाइन से पूरा खाँचा था ना उसमें, ऐसा एक गली लगा हुआ था, जान निकल गई। बड़े इतने साल का एक्सपीरियंस है, बाइक पे भरोसा है, अपने व्हीकल पे भरोसा बहुत ज़रूरी है, अपने बाइक पे, बाइक हो या कार हो, जिसको आप ड्राइव या राइड कर रहे हो ना उसके ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। और ये भरोसा और ये जो एक जो सेंटिमेंट्स है ना एक दूसरे के लिए बाइक के और मेरे, शायद इसके वजह से ये हादसा होते होते टल गया। अच्छा
फीलिंग गुड नाउ। कुछ टाइम के लिए मेरी सांस रुक गई थी क्योंकि ऑब्वियसली यार एज अ ह्यूमन डर तो लगना ही है, क्योंकि ये सब रोज़ थोड़ी होता किसी के साथ में। बट निकल गया, टल गया। थैंक यू गॉड, थैंक यू माय ऑस्की। बस ऐसे ही साथ देते रहे बाइक यार।